आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में 5.2 लॉज रिलेटिव टू गैसेस। सो हमारे पास दो है लॉज, एक हमारे पास बॉयल लॉ है और एक हमारे पास चार्लस लॉ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या चीज़ है और किस पे एप्लीकेबल है। बॉयल हमारे पास एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट बॉयल। 1662 में उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था और उसने हमारे पास ये जो लॉ प्रपोज किया था वो गैसेस के लिए प्रपोज किया था। सो 1662 में उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया है और वो रिलेशनशिप किसके बीच में इसने स्टडी किया है, तीन चीज़ें हमारे पास, वॉल्यूम है, प्रेशर है और टम्परेचर। और ये तीनों चीज़ें वॉल्यूम, प्रेशर एंड टम्परेचर, ये किसके रेलिवेंट से उसने स्टडी किया था, गैस के रेलिवेंट से। सो वो कहता है कि हमारे पास अगर टम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, टेम्परेचर अगर आपके पास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डिफाइन ऐसे किया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस कि आपके पास यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है गिवन मास। गिवन मास आपके पास ये कि सपोज आप एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में आपके पास जो मास है वो आपके पास है 1 kg। आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपके पास 1 kg गैस जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। सो ये आपका क्या हो गया, गिवन मास हो गया, ठीक है। सो इस गिवन मास ऑफ अ गैस जो है इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कोई चेंज ना हो। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती जाएगी, फिर हमारे पास ये मसला बनेगा वॉल्यूम और प्रेशर में हम फिर रिलेशनशिप को सही तरह स्टडी नहीं कर सकेंगे। सो टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास जो गिवन मास है, जितना भी आपके पास मास गिवन है, 1 kg है, 5 kg है, 10 kg है, व्हाटएवर जो भी है, उसका आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सो प्रेशर क्या चीज़ है ये तो बात आपको समझ में आ गई, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशनशिप ऐसे बन जाता है, वी इज इक्वल टू हमारे पास के इंटू 1/P, या वी इज इक्वल टू के हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के 1 जर के डिवाइडेड बाई पी, बात क्लियर। या हमारे पास पी यहाँ पे डिवाइडेड हो रहा है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, मेरे पास ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। सो हमारे पास देख रहे हैं कि आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन रही है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो किताब में आगे कह रहे हैं कि हमारे पास के जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर लेते हैं, के हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो हमारे पास के की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास गिवन गैस जो आपके पास होगा, जैसे मैंने एक सिलेंडर की बात की है कि आपके पास गिवन मास है, उसमें आपके पास 1 kg गैस है, आपको 5 kg गिवन है, आपको 10 kg, वट एवर जो भी है, लेकिन जो आपके पास प्रेजेंट है, जो आपको गिवन है, वो आपके पास गिवन मास हो जाएगा। सो गिवन मास के लिए के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। सो हमारे पास जब ये कॉन्स्टेंट होती तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का, आपको 1 kg गैस गिवन है तो ये फिक्स्ड मास हो गया। सो इस फिक्स्ड मास का जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दी है बुक में, हम उसको भी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या चीज़ है हमारे पास, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस फील्ड है, ये हमारे पास सपोज है गैस है। इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल मीन्स ये पिस्टन हमारे पास ऊपर नीचे हरकत कर सकता है। सो हमारे पास इनिशियली अगर हमारे पास ये जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 1 dm³, अभी हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया। सो अगर हम यहाँ पे इस पे 1 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं, 1 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं, हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर गैस हमने फिल की है और जितना भी गैस है उसका वॉल्यूम है हमारे पास 1 dm³ है और इसके ऊपर हम 2 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं।
अगर हम इसके ऊपर 2 atm प्रेशर अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये जो पिस्टन है ये हमारे पास क्या करेगा, नीचे हमारे पास मूव करेगा। जब ये पिस्टन हमारे पास नीचे की तरफ मूव करेगा, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस हैं बिटवीन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, वो स्पेसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और गैस का जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। सो आपके पास यही वॉल्यूम क्या बन जाएगा, एट अ रिजल्ट हमारे पास 2 atm प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपके पास इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने के बाद आपके पास इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आपके पास सेकंड बुक में दिया हुआ है 0.5 dm³ गिवन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो वॉल्यूम था ये हमारे पास था V1, ठीक हो गई बात, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास, जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ये हमारे पास था P1। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास V2 आ गया वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे अगेन प्रेशर अप्लाई करते हैं, अगेन हम 4 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर हम 4 atm प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम बन गया था एज अ रिजल्ट ऑफ P1 के रिजल्ट में, ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा V2। जो सेकंड हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो हमारे पास बनेगा P2। इस प्रेशर के रिजल्ट में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस हैं वो मजीद डिक्रीज हो जाएंगे, मजीद कम हो जाएंगे। जब इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस मजीद कम हो जाएंगे होगा क्या, वॉल्यूम हमारे पास मजीद डिक्रीज हो जाएगा। जब आपके पास वॉल्यूम मजीद डिक्रीज होगा, आपके पास वॉल्यूम सपोज हम करते हैं ये वॉल्यूम आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये जो वॉल्यूम बना है, नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम बना हुआ है 0.33 dm³। तो ये आपके पास ये जो वॉल्यूम बन गया ये आपका बन जाएगा V3। अब आप अगेन प्रेशर अप्लाई करेंगे वो आपका प्रेशर बन जाएगा P3 एंड सो ऑन, इसी तरह आप चलते जाएं। तो आपके पास देखें, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सेम यही भी केस है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। सो हमारे पास जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होती है, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, उसमें हमेशा हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं, सिंपल सी बात है, P1 V1 इज इक्वल टू हमारे पास P2 एंड V2। मींस के हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है वो इक्वल होता है किसके, हमारे पास जो फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम आपके पास आता है। सो ये हमारा बॉयल्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ हमने डिस्कस किया हुआ था, उसके रेलेवेंट हमारे पास बुक में कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, 2-3 एग्जाम्पल हैं, हम उसको भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, प्रोसीड करते हैं। अ गैस, एग्जाम्पल 5.1 है, अ गैस विद वॉल्यूम 350 cm³ हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 हमारे पास mm ऑफ Hg। इफ़ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 325, हमारे पास आप देख सकते हैं कि अ गैस विद वॉल्यूम, आपके पास जो वॉल्यूम V1 आपके पास गिवन है 350 cm³ आपके पास गिवन है, और इस पे हमारे पास जो प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास लग रहा है 650 का। मींस के आपके पास P1 जो प्रेशर है वो आपके पास प्रेशर लग रहा है 650 mm हमारे पास Hg, ठीक। नेक्स्ट आपके पास इफ़ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 325 mm, हमारे पास P2 भी गिवन है, हमारे पास अगर ये प्रेशर को हम कम करते हैं, हमारे पास ये प्रेशर आता है 625, तो इसका जो हमारे पास कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, आपके पास इसका जो V2 है वो आपके पास वॉल्यूम क्या बनेगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमारे पास सपोज एक सिलेंडर है, उसमें हमारे पास वॉल्यूम है 350 cm³, इसमें हमने गैस फिल की है जिसमें इसका वॉल्यूम है 350 cm³, इस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं कितना, 650 हम इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। अब अगर हम ये प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, ये प्रेशर अगर हम कम कर देते हैं, जब हम ये प्रेशर कम करेंगे, ये प्रेशर हम कितना कर लेते हैं, ये प्रेशर अगर हम कर लेते हैं 625, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बनेगा। मींस कि आपके 650 पे आपके पास वॉल्यूम था 350, 625 प्रेशर रिड्यूस करने के बाद आपके पास वॉल्यूम क्या बनेगा, इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है। सो अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो आपके पास जो पिस्टन लगा हुआ पिस्टन हमारे पास ऑलरेडी ऊपर जाएगा, ऑलरेडी आपके पास पिस्टन ऊपर जाएगा,
तो आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे, रिजल्ट में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। सो हमारे पास फॉर्मूला है P1V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास P1 क्या चीज़ है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल प्रेशर है। P2 हमारे पास फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। मीन हमारे पास ये फाइनल प्रेशर लग रहा है, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा। सो हमारे पास V2 को हमने कैलकुलेट करना है। सो आपके पास ये रिलेशन कैसे बन सकता है, P2 हमारे पास V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास ये रिलेशन बन गया, P1V1 डिवाइडेड बाई आपके पास है P2V2 को जो हमने कैलकुलेट करना है। सो आपके पास P2 इज इक्वल टू V2। इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है 700 सेंटीमीटर क्यूब। V2 जो मेरे पास आया हुआ है वो आया हुआ है हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब। सो मैंने ये बात की थी ऑलरेडी, मैंने कहा था कि प्रेशर आप रिड्यूस करेंगे, प्रेशर आप कम करेंगे, पिस्टन जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली मूव करेगा ऊपर। मूव करने के रिजल्ट में इंटरमोलिकुलर स्पेसिस इंक्रीज हो जाएंगे, स्पेसिस इंक्रीज होंगे, रिजल्ट में आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था 350, लेकिन प्रेशर कम करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम जो बना है वो हमारे पास बन गया 700 सेंटीमीटर क्यूब। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 5.2। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या कह रहे हैं, 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस वॉज इनक्लोज इन अ कंटेनर। आपके पास V1 गिवन है, अंडर द प्रेशर ऑफ 600 mmHg हमारे पास, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर पूछ रहे हैं। हमारे पास आपके पास जो V1 गिवन है, V1 इज इक्वल टू 785 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, हमारे पास प्रेशर P1 आपको गिवन है 600, और इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड हमारे पास V2 भी गिवन है, V2 हमारे पास है 350 सेंटीमीटर क्यूब, और आपके पास जो प्रेशर है P2 उसको आपने कैलकुलेट करना है। सो अगेन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। देखिए हमारे पास सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में आपने गैस फिल की हुई है, उसमें आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम है 785, किस प्रेशर पे आप ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं 600 प्रेशर पे, आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास कितना है 785 है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाए और ये वॉल्यूम हमारे पास बन जाए 350, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो है 785 से आ गया 350 पे। क्या मतलब है इस बात का, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कैसे डिक्रीज हो गया, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गए। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कब कम होंगे, जब प्रेशर इंक्रीज होगा। मींस कि हमारे पास जितना प्रेशर आप इनिशियल लगा रहे हैं, अगर आपने वॉल्यूम कम करना है तो आपको इससे और भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। P2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास P1 से ज़्यादा आएगी। सो हमारे पास फॉर्मूला है इसका, अगेन वही फार्मूला है, P1V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। बात क्लियर है। सो V2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, P1V1 डिवाइडेड बाई हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा V2 और इज इक्वल टू P2। सो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 1345.7 mmHg। बात क्लियर हो गई। सो आप देख सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर आपके पास कितना था, 600 था, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो गया हमारे पास, तो फाइनल प्रेशर हमारे पास देखें तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गया। बात क्लियर हो गई। सो ये हमारे पास बुक में इन्होंने इसको ATM में भी कन्वर्ट किया हुआ है। सो आप ATM में भी कन्वर्ट कर लें इसको, आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। सो हमारे पास ये एग्जाम्पल्स कम्प्लीट हो गए। हम अगला हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ, वो भी हम इसके साथ स्टडी कर लेते हैं इसके बाद।